दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हो दिल्ली NCR का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज हमारे पास डेल इंस्पिरोन 5558 लैपटॉप आया है। यह लैपटॉप बहुत ही अच्छा लैपटॉप होता है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें SSD इनबिल्ड नहीं लगी हुई आती है, जिसकी वजह से अगर हमें इसमें विंडोज 10 या 11 डालते हैं तो यह लैपटॉप बहुत ही स्लो हो जाता है। अब यह लैपटॉप बहुत ही स्लो हो गया है, जिसकी वजह से कस्टमर इसे फिक्स करवाने के लिए हमारे पास लाए हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हम आपको एक सलाह और देना चाहते हैं कि लैपटॉप बहुत ही महंगे आते हैं और आप इसको किसी ऐसे वैसे लोकल सर्विस सेंटर पर मत दिखाओ, क्योंकि ये आपके लैपटॉप को और ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। इस लैपटॉप में SSD के लिए कोई स्पेस नहीं होता है, तो हम हार्ड डिस्क की जगह कैडी की हेल्प से SSD लगाएंगे और हार्ड डिस्क को DVD राइटर के द्वारा लगाएंगे, जिससे इसमें हार्ड डिस्क और SSD दोनों एक साथ वर्क कर सके। अगर आपके पास कोई लैपटॉप है और वह स्लो चल रहा है और उसमें SSD नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लैपटॉप में SSD लगवाएं और लैपटॉप की स्पीड को 10 गुना तक बढ़वाएं। अब हम आपको दिखाएंगे डेल इंस्पिरोन 5558 लैपटॉप में स्टेप बाय स्टेप SSD कैसे लगाते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे कि आप खुद भी अपने लैपटॉप में SSD लगा सकते हैं।